नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रूपाली शर्मा। तो किसान आंदोलन एक बार फिर चर्चा में आया। ये चर्चा में तब आया जब अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना इस मुद्दे पर भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर ट्वीट करती नजर आई और उसके बाद ट्विटर पर घमासान मच गया। लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कई ऐसे विदेशी फिल्म स्टार्स हैं और सिंगर्स हैं जो इस मुद्दे पर, जो किसान आंदोलन पर ट्वीट करते नजर आए, किसानों का समर्थन देते नजर आए। यहां तक कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी पीछे नहीं हटी। और सुन लीजिए, मियां खलीफा तक ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर डाला, अपनी प्रतिक्रियाएं रख दी। और उसके बाद एक बहुत बड़ा, ये कह लीजिए कि लड़ाई का जो सिलसिला था, ये रण का मैदान था, वो बनता हुआ आज ट्विटर पे नजर आया। और उसके बाद कई ऐसे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, चाहे वो अक्षय कुमार है या फिर दिलजीत दोसांझ है, वो इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं रखते नजर आए। और इस तरीके से भारत में चल रहे किसान आंदोलन को इंटरनेशनल अटेंशन मिल गई। जो ये लोग चाहते थे वो हो गया। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या इन विदेशी फिल्म स्टार्स सिंगर्स ने ये बिल पढ़े हैं? उनको इस बिल के बारे में कुछ पता है? उनको तो भारत के भूगोल के बारे में भी नहीं पता होगा, ना ही उनको रबी और खरीफ क्रॉप में डिफरेंस पता होगा, ना ही उनको IMF के चीफ की बातों पर विश्वास होगा जो ये कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में ये कानून एक बहुत बड़ा बदलाव है। खुद IMF के चीफ कहते हैं और उसके बावजूद इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। इनको बस लगता है कि डिस्प्ले के पीछे हैं आप, स्क्रीन के पीछे हैं आप, आपको लाइमलाइट में आना है, आपको फॉलोअर्स की आंखों में आना है, तो आप इस तरीके के ट्वीट कर देंगे, इंटरनेशनल मुद्दा बनाएंगे किसी भी चीज को, फिर चाहे आपको उसके बारे में कुछ पता हो चाहे ना पता हो। एंड आई एम डैम श्योर इनको पता भी नहीं होगा कि इस बिल में क्या लिखा हुआ है, और उसके बावजूद इस तरीके के ट्वीट सामने आते हैं। अब ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जिस बात का डर था वही तो नहीं हो रहा है? कि जो लोग सियासी रोटी सेकना चाहते थे, अपना प्रोपेगेंडा सामने लेकर आना चाहते थे, वही तो नहीं हो रहा है? कि किस तरीके से हमारे इंटरनल मैटर्स में ऐसे लोग दखल देते हैं, ऐसे विदेशी फिल्म स्टार्स, ऐसे सिंगर्स खुलकर अपनी इस तरीके से इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे देश पे ही लगता है। ये बात उन बुद्धिजीवी और उन पत्रकारों को समझना होगा कि किस तरीके से आप अपने देश की छवि सामने रख रहे हैं। और लोगों को अब जागरूक हो जाना चाहिए कि कहां पे आप लैग कर रहे हैं, कहां पे आप आगे जा रहे हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं जो इस ट्वीट के बाद, रिहाना के एक ट्वीट के बाद शुरू हुए, और ये सवाल लगातार अपना उत्तर प्रदेश उठा रहा है और उठाता रहेगा। तो ऐसे तमाम मुद्दों को जानने के लिए आप अपना उत्तर प्रदेश देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।